नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एंसलरी की यहाँ पर मैं एक और वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। और ये एक्सपीरियंस वीडियो 22 है। इससे पहले मैंने 21 एक्सपीरियंस वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने उन एक्सपीरियंस वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें, जिन भी कैंडिडेट्स का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। गाइज, यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उनका जो है ट्रेड टेस्ट ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो गया था, बट एकदम लास्ट वाले स्टेप में उन्होंने थोड़ी गलती कर दी। उनको दी गई थी दाल बनाने के लिए, तो उन्होंने एक गलती कर दी। उसमें क्या ऐसी गलती उन्होंने की है जिसकी वजह से उनको वहाँ से बाहर किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, इसको आपको जानने के लिए इस वीडियो को देखना है ताकि आप लोग वैसी गलती ना करें। ये एक कॉमन सी गलती नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा इन तरह की गलतियों पर। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनसे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप लोगों का हो सकता है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। सो गाइज, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ सभी में कुछ ना कुछ स्पेशल बात होती है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहती है। तो आप लोग सारी वीडियोस को देखा करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करें, और जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं इस चैनल को आप वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि सब लोग इस चैनल की खूबी से या फिर कहें इस चैनल से मिलने वाली हेल्प का लाभ उठा सकें। सो गाइज, चलिए सुन लेते हैं इस एक्सपीरियंस को जो कि इन कैंडिडेट्स ने बहुत ही बखूबी शेयर किया है। हाँ तो सर, आप अपना सारा कुछ स्टार्टिंग से बताएं, जो भी आपका डेट था, कहाँ पे हुआ था, कौन सी ट्रेड थी। सर मेरी डेट 11 सितंबर को था, मेरा 11 सितंबर को। यस। हाँ, और ट्रेड कौन सी थी। मेरा ट्रेड वाटर कैरियर था सर। वाटर कैरियर था। और ग्रुप मेरा ग्रुप डी था, और मैं राजस्थान बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। ओके, और कहाँ पे हुआ था आपका ट्रेड टेस्ट। मेरा कपूरथला पंजाब में हुआ था, 11 तारीख को। ओके, तो आप सारा कुछ प्रोसेस बताएं जो भी आपकी स्टार्टिंग से करवाई गई। अच्छा सर, सर पहले तो मैं यहाँ बीकानेर से ट्रेन में गया था, और वहाँ नजदीक में आरसीएफ यानी कि रेलवे कोच फैक्ट्री गुरुद्वारा, जिस नाम से आरसीएफ नाम से गुरुद्वारा है, पास में 1 किलोमीटर हुसैनपुर जो है स्टेशन उनके पास में है, और उससे 1 किलोमीटर दूर आगे ये ना रेलवे कोच फैक्ट्री है, और वहीं पर वो सेंटर है 1 किलोमीटर की इधर उधर बेती है जी। तो उसके बाद फिर वहाँ गुरुद्वारे चले गए, उसमें सारी कुछ सर सुविधाएं सब कुछ फ्री है गुरुद्वारे में, वहाँ नहाने की धोने की सब कुछ। तो गुरुद्वारे में रुक कर हम शाम को, उसके बाद सुबह हम जल्दी उठकर उसके बाद हमने साई नाश्ता उन्होंने करवाया जी। तो साई नाश्ता करने के बाद हम ना 5 बजे रवाना हो गए थे ट्रेड टेस्ट सेंटर के लिए जी। तो वहाँ आरटीओ बेरी पहुंचे हम, लगभग 15-20 मिनट हमारे रस्ते में लग गए थे, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा ठीक। तो वहाँ जाने के बाद 5:30 बजे वहाँ एंट्री हुई थी, और 5:30 बजे वो लाइन से सभी को खड़ा कर दिया था, उसके बाद लाइन से बेरी के अंदर बैठा दिया था, फिर है ना वो अपनी लिस्ट में से नाम बोल रहे थे, और जिस जिसका नाम बोल रहे थे उनको खड़ा करके अलग लाइन में बेंच बना रहे थे उनका। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लाइन में ना सबसे आगे खड़े रहोगे तो आपका पहले नंबर आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, आप नाम बुला रहे हैं और नाम से वो खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बेंच बनाने स्टार्ट कर दिए, पहले ना 200 लड़कों के 20-20 के बेंच बनाए, और फिर उनको वो ना अंगूठा दूध ने साइन करवाने के लिए वो बायोमेट्रिक के लिए अंदर भेजे गए, और बायोमेट्रिक करवाने के बाद 20-20 लड़कों के बेंच, उसमें से पहले 10 को, और फिर है ना एक एक बेंच को 2 पार्टों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित कर दिया था, और फिर है ना उसमें से उनको आगे भेज रहे थे, और सभी एक एक करके फिर लड़के ना पहले मसालों के पास जा रहे थे, वहां पर मसाले रखे हुए थे 20-30 प्रकार के। अच्छा। और 5-6 प्रकार के आटा भी रखा हुआ था, और खड़ा मसाला भी था सारा वो था, और जिसमें से एक सोयाबीन दाना था वो काफी दो लड़कों को कंफ्यूज कर रहा था ठीक है, और तो कुछ अमचूर वगैरह और कुछ मैदा ऐसा कुछ पाउडर भी था, कुछ एक पाउडर में भी वो मिस्टेक हो रही थी काफी लड़कों के, और मेरे से तो लौंग पूछी, इलायची पूछी, दालचीनी पूछी, काली मिर्च पूछी, मैदा पूछा, और अमचूर का पाउडर पूछा, और मुख्य से सोयाबीन का दाना पूछा, जो मैंने सही बताया गया तो फिर मेरा ना मसालों से मुझे पास कर दिया था। अच्छा, सेकंड स्टेप के लिए लेकर आए। सेकंड स्टेप के लिए मुझे टियर फर्स्ट में मेरे को दिया गया था वो सबसे पहले 1 प्लेट चावल बनाने के लिए जी,
मेरे को कहा उसके बाद कि आप एक प्लेट चावल बना कर लेकर आओ। पहले अच्छा। मेरे को मेरा नाम पूछा, आपका नाम क्या है, तो उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मेरा नाम नैना राम है। तो उसके बाद अच्छा गुड है, वो आई है नाम कैसे लिखते हैं, तो फिर मैंने इंग्लिश में नाम बोला, उसके बाद मैं पर दो मात्रा ऐसा कुछ बोला, उसने कहा अच्छा गुड। तो उसके बाद उसने पूछा आपका सीरियल नंबर कितना है, वो सीरियल नंबर जब बैंक बनाते हैं ना तो बैंक में वो सीरियल नंबर देते हैं एक दो, उससे मेरा सीरियल नंबर था, मेरा सीरियल नंबर था सीरियल नंबर सर नहीं बता, सीरियल नंबर नहीं बताना आपको, आपको अच्छा। सारा कुछ बताना जी। हाँ तो आप इसके बाद में, तो उसके बाद में सर है ना मैंने एक प्लेट चावल बनवाए जी कुकर में, और चावल बनाकर प्लेट में डालकर मैं और प्लेट में साथ में चम्मच डालकर उनके पास ले गए, तीन ऑफिसर बैठे थे, सभी के तीन तीन स्टार लगे हुए थे। तो फिर उन्होंने पहले तो दूर से देख कर मेरे को कह दिया था भाई बेटा तेरे चावल कच्चे आएंगे, तो मैंने कहा सर खाके तो चेक कीजिए। तो एक ऑफिसर है ना मेरे पास में था ना जिसकी कुर्सी नजदीक, तो उसने चाप से गौर से पास से एकदम ध्यान से देखा, तो उसने मैंने कहा सर खाके देखे, तो उन्होंने खाया तो कहा कि ठीक है मीडियम साइज है, इतने अच्छे नहीं है लेकिन ठीक है पास हुआ आप इसमें। तो फिर मेरे को फर्स्ट स्टेप पास कर गया, उसके बाद मेरे को कहा कि अब आप है ना दो चपाती बना कर लेकर आओ। तो फिर मैं ना रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा, वो आटा अपने हिसाब से दे रहे हैं एक एक, तो दो तीन रोटी बनाने के लिए उतना ही आटा दे रहे हैं, उधर से आटा वो दे देंगे, आटा लेकर और आटा गूंद कर, और ना टाइम फुल दे रहे हैं, टाइम की कुछ नहीं है, एक घंटा लगाओ कुछ नहीं कहते। अच्छा हाँ टाइम एकदम फुल है, आराम से बनाओ। अच्छा तो फिर है ना मैंने तीन चार रोटी का आटा, आटा यदि ज्यादा लग जाए तो उसमें कुछ नहीं है, तो तीन चार रोटी का आटा लगवाया। उसके बाद मैंने एक रोटी बनाई, वो तवे पर बनवाई थी पूरी, मैंने तवा रोटी ठीक है, मैंने फुलका रोटी नहीं बनाई थी, तो मैं तवा रोटी एक बनाई, दूसरी जब मैं बना रहा था ना तब वो मेरे पास आ गए थे ऑफिसर, तो वो मेरी एक तो बनाई हुई रोटी चेक की, तो एक ने बोला ये तो आपने तवे पर बनवाई है पूरी रोटी। यस मैंने कहा सर मैंने तवे पर बनाई, तो हमें तो फुल आउट फुली हुई रोटी चाहिए। अच्छा सर मैंने कहा अच्छा सर आपको फुलका रोटी चाहिए थी या, तो कहा चलो आप ना इस रोटी को ना गैस पर फुला कर दिखाओ। अच्छा तो सर मैं गैस पर फुला, तो मैंने सर गैस पर वो रोटी फुला दी थी, तो मेरी है ना वो रोटी भी मेरे को पास कर दिया, मैंने ना पूरी रोटी गैस पर फूली थी, तभी उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है तेरा रोटी तेरी बन के क्लियर है, अब आप है ना अगले स्टेप के लिए आप है ना अरहर की दाल बनाना, दाल बना कर लेकर आना, रोटी में आप पास हो और अरहर की दाल बनाकर अब मुझे बताना। तो उसके बाद वो इतना कहकर वो चले गए थे, मैंने ना रोटी ना अच्छे से सेक कर मैं रखी, तो गैस बंद किया, उसके बाद मैं अरहर की दाल बनाने के लिए चला गया। मैंने अरहर की दाल सर है ना उन्होंने ना ऐसा इतना है ना कुछ नहीं पूछा था, मैंने भाई सामान ही बनानी है क्या कुछ डालना है क्या नहीं डालना है, वो इतना कहकर चले गए थे जल्दी जल्दी। बट है ना मैं लड़कों से जितने भी हैं मेरे भाइयों उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब वो सर अरहर की दाल का कहे ना जी, तो पहले पूछ लेना भाई अरहर की दाल सिंपल बनानी है फ्राई बनानी है कैसी बनानी है, और आपको ना कौन कौन से मसाले डालने हैं या नहीं डालने हैं, आपको कैसी पसंद है, तो वो अपने आप कह देंगे कि भाई हमारे को सिंपल अरहर की दाल बनानी है, तो अरहर की दाल वो अपने आपको दे देंगे धोकर कुकर में पानी डालकर दाल डालकर, और उसमें से उसमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक डालकर सीधी उनको उबाल कर, और फिर तैयार होने के बाद प्लेट में उसमें ना लीला धनिया होता ना जी जी हरिया धनिया हरी धनिया उसको ऊपर थोड़े से भुरका कर और चम्मच लगाकर उसको दे देना, तो आपको पास कर देंगे। बट मैंने ऐसा नहीं किया था सर। अच्छा तो आपको दूसरा मिला था क्या? नहीं वो दाल बनाने के लिए कहा था, तो सर मैंने दाल है ना सर है ना मसाले से बना दी थी। अच्छा। मसाला डाल दिया था और पहले मैंने प्याज भून लिया था, प्याज भून कर दाल में डाल दिया था। अच्छा। पहले प्याज भूना उसके बाद मैंने मसाला पका कर फिर है ना अलग कुकर में दाल उबाल कर और उबली हुई दाल उस मसाले में डालकर मैंने ऐसे दाल से घर की तरह से बना दी थी। हाँ बट है ना बट उन्होंने कहा कि हमने तो आपको सिंपल दाल बनाने के लिए कहा था, हाँ मेरी ये मिस्टेक हो गई थी। और फिर उन्होंने दाल खाई भी था, मैंने मसाला भी एकदम सर है ना थोड़ा थोड़ा मसाला लिया था, इतना लग ही नहीं रहा था कि इसमें इतना इसने मसाला डाला है। अच्छा ठीक है ना, तो उन्होंने ना दाल खाई, मेरी दाल अच्छी लग रही थी उनको, लेकिन उसके बाद उसने चम्मच पूरा दाल अंदर से पूरी चेक की ना, तो उनको प्याज नजर आया मेरी दाल में। तो उन्होंने कहा बेटा तूने ये प्याज डालने के लिए तुमसे किसने बोला, तूने प्याज क्यों डाले? तो मैंने कहा सर मैंने दाल बनाई तो प्याज थे तो मैंने सर प्याज डाल दिए। तो बेटा मैंने तो आपको सिंपल दाल बनाने के लिए कही थी, उसने तो केवल है ना हल्दी और नमक डालना था और कुछ नहीं डालना था, सीधी लेकर आनी थी आपको बनाकर, आपने ये प्याज क्यों डाले? किसने कहा आपको प्याज डालने के लिए? किसी ने कहा तो होगा तभी आपने प्याज डाले, नहीं तो आप क्यों डालते जी? मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैं तो ना मसाला लेने गया था तो वहाँ प्याज पड़े थे, तो मैंने पूछा था मैं मसाले ले जाऊँ, तो उसमें प्याज भी साथ में थे तो मैं ले आया और मैंने सर डाल दिए।
अच्छा मैम ने बोला तब आप है ना ऐसा करो वहाँ उनके पास जाओ और अपनी प्लेट प्लेट लेकर अपने स्टूल पर खड़े रहो जी जहाँ आप थे। तब मैं ना मेरे को वापस वहाँ भेज दिया, फिर मैं वहाँ पर खड़ा रहा 10-15 मिनट। उसके बाद सर तो वहाँ नहीं आए, मेरे को कहा मैं आ रहा हूँ, और वहीं से आवाज लगे कि नैना राम कौन है उनको यहाँ भेज दो। तो फिर मैं सर वापस वहाँ गया उनके पास, तो मेरे को कहा बेटा आपने चावल बनाए थे एक प्लेट वो भी ठीक बना दिए, और चपाती भी बना दी थी, और एक आपने अरहर की दाल बनाई, तो अब बेटा आप जाओ। तो मैंने कहा सर अब क्या होगा, तो कुछ नहीं अब आप जाओ और अब बाहर जाकर बैठो आप। तो सर मैं आया बाहर आकर बैठ गया, उसमें से मात्र 6 लड़के सिलेक्ट हुए थे 300 में से। अच्छा, और पहले 200 लड़के थे, 200 में से 2 लड़के और 1 लड़की 3 सिलेक्ट हुए थे, फिर 300 थे, 300 में से 6 लड़के सिलेक्ट हुए थे, टोटल 9 हुए थे 11 तारीख। तो सर आप तो ये 3 स्टेप करवाए है ना सर। हाँ मेरा लास्ट में सर यदि मैं प्याज नहीं डालता ना तो वो ना मेरे को पास कर देता था, क्योंकि उसके बाद 15 मिनट उसने सोचा भी, उसने 15 मिनट लिए सोचने के लिए कि इस लड़के को क्या करे, इसने प्याज डाल तो दिए, अब सब कुछ इसका अच्छा है, रोटी भी अच्छी बनी, चावल भी इसके अच्छे बने, दाल भी अच्छी है, बट इसने प्याज डाल दिए और यह भी गलती से भी डल गए थे, यूं भी उसको लगा था कुछ ऐसा। तो 15 मिनट मेरे को दूर खड़ा किया उसने सोचा, उसके बाद वो है ना मेरे को बुला कर फिर मेरे को रिजेक्ट किया उस प्याज की वजह से सर। तो सर आप इसके बेसिस पे आप क्या बताना चाहेंगे जिन कैंडिडेट्स का होने वाला है? जिन कैंडिडेट का होने वाला है सबसे पहले सर मैं यूं ही कहूंगा कि जो आटे है ना जी वो आटो में ना आपको ना घुमा देंगे। अच्छा, जो नाम तो आटो को नाम पूछते हैं कि यह कौन सा आटा है, ये है तो बता ये कौन सा है, तो फिर ऐसा करके ये नहीं है ये आटा है, तो ऐसा करके घुमा दे अपनी तरफ से 100% देना, और आटो का विशेष रूप से ध्यान रखना, और साथ में मसाले जितने भी हैं ज्यादा मसाले वहाँ पर नहीं रखे हैं सर, जैसे कह रहे हैं ना कोई कह रहे हैं आयुर्वेदिक मसाले हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर, जो नॉर्मली घर में तो यूज होते हैं जैसे लौंग है, दालचीनी है, इलायची है, बड़ी इलायची भी है वहाँ पर, और वहाँ पर आपको गर्म मसाला भी मिल जाएगा और अमचूर पाउडर भी मिल जाएगा और मैदा भी मिल जाएगा, सोयाबीन दाना भी मिल जाएगा आपको जी, और जायफल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और मेरे को ऐसे जो नॉर्मली है घर में जो होते हैं ना मसाले काली मिर्च हो गई वही है मसाले सर, ज्यादा इतना कुछ नहीं है हर्ड मसाले, लेकिन आप ना अच्छे से ना प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकली मसालों को देख कर जाए और किसी भी परसों की दुकान पर जाए और वहां से ना थोड़े थोड़े मसाले लेकर जो नॉर्मल घर में यूज होते हैं वो लेकर और वहां से चले जाए, जो आपने सर वो मसाला वाला वीडियो डाला ना यदि वही देख लेना तो उसमें उनका कल्याण हो जाएगा लड़कों का। जी सर, तो उसमें सर आपकी हेल्प हुई थी उस वीडियो से जितने सर उसी वीडियो से हेल्प हुई थी, मेरे मसाले उन्हीं से निकले थे सर, मेरे मसाले मैंने सारे बता दिए थे अच्छे से जी, ठीक है ना। तो उसके और ऐसा भी नहीं है यदि आपने एक ही गलत मेरे साथ ऐसा, मैंने ना वो अमचूर का पाउडर था क्या मैंने थोड़ा गलत बता दिया था उसमें, तो उसने कहा कि बेटा यहाँ तो यहाँ नहीं है आप ऐसा चलो आप इसका बताओ, यदि आपने यह सही बता दिया ना तो मैं आपको पास कर दूंगा, तो फिर मेरे को मैदा पूछा मैं मैदा सही बता दिया, उसके बाद सोयाबीन दाना पूछा तो मेरे को उसने पास कर दिया था उसने जी। ओके सर, और सर इसके बाद में आप ये बताएं जिनका भी क्लियर हो गया था उनका डॉक्यूमेंट में सर क्या लग रहा था? डॉक्यूमेंट में सर उनके कुछ नहीं, एक तो 10th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट लग रही थी और साथ में सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा था, जो SC ST OBC से है ना जी, जो SC ST से है उनका तो सेंट्रल का कास्ट भले कितना ही पुराना वो लग रहा था, और जो जनरल वालों का तो लग ही नहीं रहा था सेंट्रल, और जो OBC से है ना था उनका वो उसी साल या उससे पीछे वाले साल वो नया चाहिए था 1-2 साल के अंदर का। अच्छा, 1 साल पुराना। हाँ, 1 साल पुराना पक्का तो नॉलेज नहीं है लेकिन 1-2 साल पुराना होना चाहिए था। हाँ। और यदि आप ना नहीं है ना तो वो ना जब तक मान लो ट्रेड टेस्ट यहाँ पर कितनी तारीख से चलेंगे उतनी तारीख तक आपको वो डेट दे देंगे, भाई इतनी तारीख तक आपको ना पहुंचा तो पहुंचा दोगे, वो 11 तारीख को मेरा था तो जब है ना 31 तारीख जिन जिन लड़कों का पास हुआ था तो उन्होंने सेंट्रल का कास्ट नहीं लगवाया था, तो वो ना 11 तारीख को आए थे कास्ट देने के लिए सर्टिफिकेट। अच्छा। तो उन्होंने कहा था अभी हमारा उस दिन है ना ये डॉक्यूमेंट रह गए थे तो उन्होंने हमें टाइम दिया था, तो फिर हम आज जमा करवाने के लिए आए, और वैसे वहाँ घबराने की सर कोई बात नहीं, मैं यदि मैं ना सर है ना वहाँ पर सर को ऐसा कह देता ना भाई है ना आपने हमें मुझे अरहर की दाल बनाने के लिए कहा था, आपने यदि ऐसा नहीं कहा कि सिंपल दाल बनानी है आपने ये नहीं डालना ये नहीं डालना है तो शायद मेरा सिलेक्ट हो जाता, लेकिन मैं घबरा गया मैं कुछ बोला नहीं सर, मैं चुपचाप आ गया जी। तो सर आप अंततः अपना जो भी एक्सपीरियंस है इसके बेसिस पर आप क्या बताना चाहेंगे जितने भी कैंडिडेट का होने वाला है? जितने भी कैंडिडेट है उनको यूं कहूंगा कि
एक या दो पर्सन की, एक एक या दो दो पर्सन की दाल घर पर बनाए और प्रैक्टिस करके जाए, और मुझे से चावल की प्रैक्टिस करके जाए। लोग बच्चों को चावल में निकाल रहे थे, चावल वैसे ना दिखने में अच्छे थे, फिर भी वो कह रहे थे कि आपके चावल कच्चे हैं। तो चावल की अच्छे से प्रैक्टिस करे, अच्छे से चावल को पकाने की कोशिश करे और वहां पर अच्छे से पका कर लेकर जाए चावल। अच्छा, और सर ये चावल सिंपल वाले बनाने हैं या फिर उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिंपल चावल बनाने, सिंपल चावल बनाने की प्रैक्टिस करे, दाल बनाने की प्रैक्टिस घर से करके जाए, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके जाए जी, और रोटी की प्रैक्टिस करके जाए। और बच्चों से है ना मटर पनीर भी बनवा रहे थे और प्याज पकौड़े भी बनवा रहे थे और अंडा करी भी बनवा रहे थे सर वहां पर। वो ऐसा है ना, और सब्जी भी जैसे भिंडी की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई और मटर और आलू की सब्जी हो गई, यह भी बनवा रहे थे। तो सर क्या ये केवल गर्ल्स को दे रहे थे या फिर सभी बॉयज को भी दिया जा रहा था ये वाला स्टेप? नहीं, यह स्टेप कोई भी किसी को कोई सा भी मिल सकता है कुछ, और किसी को है ना प्लेट है ना, जैसे टेबल है ना, तो टेबल साफ करने का सफाई का भी किसी को मिल रहा था। अच्छा, हाँ किसी को सफाई के लिए भी बोल रहे थे। ओके सर, तो सर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ना अपना जो एक्सपीरियंस वीडियो डालकर हमारी हेल्प की। बट मेरा तो नहीं हुआ, लेकिन जिसका भी हुआ ऐसा हुआ, मेरे मैं लास्ट तक पहुंचा ना, तो सर आपकी कृपा से पहुंचा। जी सर, तो मैं आपके इसी तरह से हेल्प करने की कोशिश करता रहूंगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका भी मदद करने की कोशिश करता रहूंगा। यस सर। जी सर, तो आपका थैंक यू सो मच अगेन सर। हाँ थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन यही कहना चाहूंगा कि सभी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके जाए वहाँ पर। और जिसको कुछ नहीं आता ना, रोटी सब्जी दाल भाजी कुछ बनाना आता ही नहीं है ना, कैसे क्या बनाए, तो वो तो सर यूं ही परेशान होंगे जाने से। हाँ सर, उसको तो सीधे ही निकाल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।